सो फाइव हंड्रेड प्लस क्वेश्चन की जो सीरीज है इसका डे कौन सा बच्चे सिक्स डे है आज है ना और एजेंडा भी बिल्कुल क्लियर है कि 500 हंड्रेड क्वेश्चन की सीरीज का डे सिक्स है और बच्चे देखिए आप सभी का टाइम जो है बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता है तो अपने टाइम को सेव करने के लिए आप इन वीडियोस को 1.5 या 2 की स्पीड में भी देख सकते हैं आइए जरा शुरुआत करते हैं सो so सारे क्वेश्चंस में आपको 20 20 सेकंड का टाइमर मिलेगा आप उस दौरान क्वेश्चन को रीड करने की कोशिश करिए प्रॉपर तरीके से है ना और उसके बाद में फिर हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन दिस वन टाइम स्टार्ट नाउ आराम से इसको रीड करिए पहले आप लोग प्रॉपर तरीके से और फिर हम लोग इस क्वेश्चन को जो है करेंगे बच्चे। इसको प्रॉपर तरीके से रीड करिए और टाइम हो गया आपका फिनिश ठीक है चलिए जरा देखते हैं सो क्वेश्चन नो डाउट की थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और ट्वेंटी से आर नॉट एनफ टू क्रैक दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन लेकिन इतने टाइम में हमें क्वेश्चन को रीड करना है प्रॉपर तरीके से है ना और देखो अर्थेमेटिक को सॉल्व करने का तरीका सिर्फ इतना है बच्चे प्रॉपर तरीका कि आप उसको रीड करें जो डेटा दे रखा उसको थ्री थोड़ा थोड़ा सा नोट डाउन करते चलिए ऑटोमेटिकली वो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती जाएगी उसमें है ना क्योंकि ये प्रॉब्लम है, है ना इन प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है देखिएगा क्वेश्चन में कहा गया आप लोगों से प्रेजेंट एज ऑफ एज इज फोर्टी फाइव प्रेजेंट एज ऑफ पी इज थर्टी थ्री थ्री तो मतलब एजेस का क्वेश्चन आपके पास है और कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास ऊपर है और उसी से रिलेटेड कुछ तीन लाइंस आपके पास इधर की वन है बच्चे है ना और यहाँ पर एबीसी का पॉइंट दे रखा है कि एबीसी की वैल्यूज आपको निकालनी है और उन वैल्यूज को फिर कंपेयर करना है और इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है कि आपका आंसर ये होगा ये होगा ये ये या फिर ये

ये भी क्लियर है ओके okay, सर फिर क्या कहा गया आप लोगों से रेशो ऑफ एज ऑफ आर आफ्टर फाइव देखो आफ्टर की बात हो रही किस -किस की एज की रेशो? Years, uh, S, तो रेशो आपके पास कितना टू रेशो फाइव है ओके ओके फाइन चलिए तो बच्चे यहां से अगर हम पांच साल बाद अगर जाएंगे अगर पांच साल बाद अगर जाएंगे तो किस किसके एज का रेशो हो गया आर एंड एस

और उसके अलावा कौन है बच्चे एस है ना? इन सभी की प्रेसेंटेज निकालते हैं तो सबसे पहले एस का प्रेसेंटेज आपको पता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एस का प्रसेंटेज निकाल दिया ठीक उसके अलावा बात करते हैं आर की तो बच्चे आर का ये जो एज है ट्वेंटी है? है तो तो बच्चे आप five minus कर ना इसमें से तो फाइव माइनस करेंगे तो कितना बनेगा फिफ्टीन बनेगा बताइए क्लियर है कि सर एस और आर की जो एज है हमारे पास वो आ चुकी है दोनों की है ना ये दोनों निकल चुके बच्चे आप दूसरी बात समझिएगा आपको पता है कि क्यों

बात समझ रहे ये प्रेजेंटेज है किसकी पी की तो पी की जो प्रेजेंटेज आएगी हमारे पास वो कितनी होगी बना लिया अब बच्चे एबीसी दे रखे ना एबीसी इनकी वैल्यूज निकालते हैं वन बाय वन, है ना चलिए तो सबसे पहले फाइंड आउट करते बच्चे ए तो ए के अंदर क्या कहा गया है फाइंड द एवरेज एज ऑफ एस

ये बात क्लियर है थर्टी फोर आ गया सर हमारे पास ए का वैल्यू ओके लेट्स टॉक द नेक्स्ट पॉइंट बी बीज देखते U. ठीक है? मतलब देखो यहां पर तो किसी का जिक्र नहीं है टी को लेकिन यहां पर टी और यू का कनेक्शन दे रखा कि T T है थ्री ईयर ओल्डर देन है किससे यू के कंपैरिजन में फाइन वाइल द प्रेजेंट एज ऑफ क्यू इज 40% लेस देन दैट ऑफ यू अच्छा देखो यहां पर देखिएगा 40% अब बच्चे 40% का फ्रैक्शन कितना बनेगा 2/5 है ना और 2/5 40% क्या लेस है मतलब माइनस कर लेंगे आप लोग ठीक है तो q का एज ये q हो गया बच्चे और ये u हो गया आपके पास है ना q इज 40% लेस देन दैट ऑफ u अगर u की एज को मैंने 5 कंसीडर किया अगर u की एज को मैंने 5 कंसीडर किया देन व्हाट अबाउट द एज ऑफ q तो q का एज कितना हो जाएगा बच्चे ये हो जाएगा 3 आपके पास

सी वाले में कहा गया सी uh, वाला पॉइंट। हमें ना पी क्यू आर एस की बात करनी है। तो पी क्यू आर एस इन सभी की एज का एवरेज निकलना है ठीक है। तो पहले अगर हम यहां पर इसका सम करें तो यहां पर सम कितना आपके पास जरा देखो सर ट्वेंटी फोर हमारे पास है अच्छा एक काम करें इसको ऐड कर ले पहले ये फोर्टी और कितना हो गया फिफ्टी ये कितना हो 60. 60 के बच्चे सेवेंटी एटी नाइनटी की बात हो रही बच्चे। अब नाइन ईयर से क्या होगा हर एक केज बढ़ेगी अगर नाइन ईयर से हर एक वाली है नाइन ईयर से हर एक वाली और हमारे पास चार लोग हैं तो सबकी एज इतने से बढ़ेगी है ना और आप इसको डिवाइड कर दोगे क्योंकि एवरेज आपको चाहिए तो किससे डिवाइड कर दोगे फोर से तो डिवाइड करोगे ना यार किससे डिवाइड करोगे फोर से ही तो डिवाइड करोगे ना आप लोग ठीक है चलो आप जरा बताइए इसका कितना आने वाला है आपके पास में सर वन जीरो टू तो ये हो गया नाइन फोर से कितना हो गया थर्टी सिक्स है ना तो हम इसको यहाँ कर लेते कि सर वन जीरो टू तो ये हो गया और नाइन फोर से कितना हो गया थर्टी सिक्स हो गया तो कहना इसे कि सर ये हमारे पास वन थ्री एट होने वाला है अरे नॉर्मल देखो ना नाइन फोर थर्टी सिक्स सेवन और एट वन थ्री एट ये बन गया वन थ्री एट अब बच्चे इस वन थ्री एट को आप चार से डिवाइड कर लोगे है ना तो देखो चार से डिवाइड किया अगर हम लोगों ने तो चार से कितनी बार गया चार तीन कितना हो गया बारह ठीक है। फिर फोर फोर से कितना हो गया? आपके सामने क्या सारी की सारी वैल्यूज है, है ना कि भाई थर्टी फोर है थर्टी थ्री हमारे पास है और थर्टी फोर पॉइंट फाइव है बच्चे तो कौन सा सिक्वेंस हमारे पास आना चाहिए देखो ये आपके पास कौन है ए है

है, ये यही है है ना ना देखो यहीं पर ऑप्शंस ऑप्शंस भी हैं ये जो आपके पास है तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका अंदर आंसर आपका लास्ट वन ठीक है कौन सा वन लास्ट वन समझ में आया सभी को देखो क्वेश्चन लेंदी जरूर था थोड़ा सा है ना लेकिन ईजी था डुएबल था ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते इसको हम लोग कई बार बच्चे बस इस तरह के क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं बल्कि होते आसान है यार है ना देखो कितना आराम से हमने इसको डिस्कस किया आराम से बना लिया अब आप लोग जब बनाओगे इसको तो बड़े जल्दी बना लोगे क्योंकि हमें बच्चे इसको एक्सप्लेन करना पड़ा है ठीक है चलिए आगे मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पर जो कि आपके सामने आने वाला है कुछ इस तरह से ठीक है नंबर सीरीज के क्वेश्चन से फटाफट फड़ से देखिएगा और बनाने की कोशिश करेगा बच्चे ठीक है बहुत ही सिंपल बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है नो डाउट थोड़ा सा टफ जरूर है ठीक है चलेगा सो so, अब इन क्वेश्चन को किस तरह से बना पाएंगे आपसे क्या कहा गया फाइंड द रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू इन द फॉलोइंग मिसिंग नंबर सीरीज सो बच्चों सीधी बात है हमें पी का वैल्यू निकालना है इस पी का वैल्यू चाहिए और इस क्यू का वैल्यू निकालना है है ना हमें इन दोनों के वैल्यू निकालनी है और उसके अकॉर्डिंग हमें इनमें रिलेशन बताना है कि भाई कौन सा सही होगा ठीक है चलेगा तो यहाँ पर बनाते हैं इसको यहाँ पर बनाते हैं थोड़ा सा देखो कैसे बना सकते हैं हम लोग अगर हम इन नंबर्स की अगर बात कर ले बच्चे तो ये नंबर कुछ ना बहुत ज्यादा मतलब

कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर इसको देखा जाए बच्चे तो 11 और 6 मतलब सर 5 तो ये भी आएगा और इसका क्या होगा मुझे कुछ पता नहीं है ठीक है अब ऐसे कुछ नंबर मिल रहे हैं बच्चे तो क्या हो सकता है इसके अंदर पैटर्न है ना तो देखो आपका दिमाग ये काम करना चाहिए कि क्यों ना मैं इसके इनके स्क्वायर के इर्द-गिर्द तो कुछ इनके स्क्वायर के आसपास के नंबर कुछ सोचूं मैं है ना क्योंकि बच्चे देखो अगर हम बात कर ले फोर फोर्टी वन की तो वो ट्वेंटी वन का स्क्वायर होता है हमारे पास क्या होता है बेसिकली कि अगर हम 21 का स्क्वायर करेंगे तो के आसपास की कुछ कहानी बैठती है ठीक है तो सर देखिए आप वैसा सोच सकते हो कि सर देखिए फोर फोर वन जो होता है है ना फोर फोर वन और हमारे पास कितना फोर फिफ्टी सेवन है ठीक है तो अगर मैं माइनस करना चाहूँ ऐसा तो कितना आ रहा है 6 मारे मारे आ रहा है और ये कितना आ रहा है? 16 आ रहा रहा है है मेरे पास ठीक है तो सर मे बी पॉसिबल कि ऐसा कुछ हो जाए कि सर ट्वेंटी वन का स्क्वायर बने और माइनस का मैं फोर का स्क्वायर में माइनस कर दूं यहां से ठीक है ये कुछ बन सकता है इसका लेकिन अगले वाले में क्या अगले वाले में कितना बच्चे कि अगले वाले को अगर देखोगे सो ये तो ट्वेंटी का हो गया और अगर ट्वेंटी के स्क्वायर की अगर बात कर लो बच्चे तो होता है फोर एट फोर क्या होता है फोर एटी फोर होता है क्या होता है फोर एट फोर होता है ठीक है और ये मेरे पास कितना अगला नंबर फोर नाइनटी सिक्स है कितना बच्चे फोर नाइनटी सिक्स है अच्छा डिफरेंस देखो तो जरा सिर्ट टू आ गया और ये कितना आ गया मेरे पास एटीन आ, आ गया बट यहां पर तो सर ये कुछ ऐसा जा रहा है कि ट्वेंटी टू का स्क्वायर हो गया और माइनस कितना करने पड़ेगा? 12 करना पड़ेगा ट्वेल्व माइनस करना पड़ेगा ठीक है तो बच्चे ये भी अभी जो पैटर्न है पॉसिबल है ठीक है देखो सीक्वेंस हमारा चलना चाहिए क्योंकि ऐसा अचानक से कुछ क्लिक नहीं होता दिमाग में बच्चे नॉर्मल कर रहे हैं हम आपके साथ है ना कि सर ऐसा अचानक से रेंडमली क्लिक नहीं होगा कि अच्छा ऐसा ये पैटर्न लगा दो इसके अंदर नहीं चीजें प्रैक्टिकल होना चाहिए हाँ ये सोच सकते हैं कि हम लोग तो ये सिक्सटीन हो गया आपके पास अब ये पैटर्न पॉसिबल है ना यार

हम तो एडिशन कर रहे हैं इसमें ये एडिशन एडिशन में आ जाएगा है सर सो so, सेवन और नाइन नाइन बच्चा कितना आ गया? गया, okay, गया ये थोड़ा सा मामला सही जा रहा है वैसे है ना ये प्लस का एट हो गया बच्चे देखो पूरा पैटर्न मिल गया अपने यहाँ से अब अगला वाला जो नंबर हम सोच सकते हैं बच्चे वो होना चाहिए ट्वेंटी फोर का क्यूब सॉरी ट्वेंटी फोर का स्क्वायर प्लस पर कितना आएगा फोर हो जाएगा देखो चार आठ बारह सोलह कहानी खत्म है मिल गया और देखिए ट्वेंटी फोर करेंगे बच्चे तो कितना जो नंबर बन रहे थे आपने इसमें यही गया और चार छोड़ दीजिए इसके अंदर तो बच्चे पांच सौ कितना अस्सी हो जाएगा आपके पास कितना बनेगा फाइव एटी बनेगा है ना तो यहाँ पर जो नंबर हम करेंगे एडिशन में वो कितना करेंगे पांच सौ अस्सी कर देंगे 580 को ऐड कर दोगे आप लोग है ना तो बच्चे अगर 580 का आपने एडिशन कर लिया तो कितना मिल गया आपको अगला नंबर देखिए सर, सरी मिलेगा आपके पास कितना 2 हो गया ये कितना हो गया 2 हो गया 2 ओके 8 से 2 और कितना 11 एक बचा हमारे पास और तो सात और कितना हो गया बच्चे 8 हो गया और ये कितना हो जाएगा हो जाएगा तो आप लोग बोलोगे सर 2812 क्या बना बच्चे 2812 इतनी आना चाहिए यहां तक है ना कितना आना चाहिए बच्चे अपने पास 2812 तो ये तो वैल्यू हमारे पास किसकी हो जाएगी यार दोस्त ये हमारे पास p की वैल्यू हो जाएगी अच्छा

तो डिक्रीज होता है कितना माइनस करना पड़ रहा है नाइन तो ये आ गया हमारे पास और ये आ गया बच्चे 49, तो माइनस कर लिया फिर आगे जाएंगे तो क्या करना पड़ रहा है सर एडिशन करना पड़ रहा है ना तो सिक्स तो आ गया हमारे पास में ठीक है फिर थ्री फोर मतलब one, और कितना कितना हो 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 गया zero, कितना हो गया 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 समझ पा रहे देखो सिक्स तो हो गया हमारे पास थ्री फोर वन बचा जीरो वन कितना हो गया नाइन हो गया अब कुछ नहीं बचेगा ठीक है ये आपने एडिशन किया इसमें फिर आपने वापस से क्या करा बच्चे सब्टेक्शन किया है सिक्स फाइव कितना हो गया वन हो गया आपके पास सिक्स और फाइव कितना ठीक है थ्री नाइन कितना सिक्स और जीरो सिक्स कितना हो गया 4 हो गया सर ये ओके और यहां पर कितना फाइव मतलब बचेगा ठीक है थ्री फोर कितना वन और जीरो वन कितना नाइन आ जाएगा ठीक है फिर कितना बनेगा हमारे पास सेवन है ना तो सेवन और वन मतलब कितना बनेगा सिक्स बन जाएगा ठीक है सर अब इसको देखेंगे ये कितना होने वाला है ठीक है बच्चे ये कुछ पैटर्न मिले हम लोग को अभी है ना ये कुछ पैटर्न मिले लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है कि सर ये पैटर्न और क्या हो सकता है अपने पास पास ये पैटर्न हमारे पास और क्या हो सकता है ठीक है चलेगा तो कैसे सोचेंगे यार इसको अच्छा एक बात बताइए कि ये तो हम लोगों ने एडिशन क्या सब्ट्रेक्शन करना पड़ेगा ना सिक्स हो गया हमारे पास तीन छे सिक्स और जीरो सिक्स फोर हो गया ठीक है सेवन सिक्स ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं अब इनमें कुछ पैटर्न देख देखते हैं हम लोग कि पैटर्न क्या पॉसिबल है बच्चे पैटर्न क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं इसमें है ना तो पैटर्न की अगर बात कर लें सो क्या बोल सकते हैं इसके अंदर पैटर्न हम लोग क्या लगा सकते हैं हम्म अगर मैं ऐसा कुछ देखूं इसके अंदर बच्चे किस तरह 49 है और 49 2 में कितना कर लूं 1 कर लेता हूं उसको ठीक और उसके बाद में अगर इसको देखें बच्चे तो 48 2 हो रहा क्या आपके पास देखो जरा ध्यान से किस तरह 49 1 तो ये हो गया अपने पास 48 को अगर अगर डबल कर कर लेंगे टू इस 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 ये कहानी रहे। और अगर मैं इसकी बात कर बच्चे, तो ये तो 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 कितना, तो तो कितना हो सकता अगला क्या सिक्स आएगा हमारे पास फोर्टी सिक्स और फोर्टी सिक्स को मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप लोग है ना तो देखो चार से कितना चौबीस दो बचा आपके पास दो Charger कितना सोलह सत्रह अट्ठारह मतलब ओके okay. देखो एडिशन एडिशन तो ये आपका चलेगा और एडिशन करके अगर क्यू का वैल्यू निकालेंगे आप लोग है ना अगर आप क्यू का वैल्यू निकालते हुए तो कितना आना चाहिए देखो सर पांच और चार कितना हो गया बच्चे नाइन नाइन हो गया और आठ और आठ कितना हो गया सोलह और कितना हो गया सत्रह सेवनटीन फिर एक बच्चा कितना हो गया आठ मतलब सेवन एट सेवनटी नाइन कितना बन गया एट सेवनटी नाइन अब ये दो वैल्यू हमारे पास आ चुके बच्चे क्या चुके हमारे पास दो वैल्यूज आ चुके अब इनको हमें यूज करना है ठीक है इनको हमें क्या करना बच्चे यूज करना है चलो देखो फटाफट फड़ से कि क्या कंडीशन बनेगी अभी हम लोग पीछे चलते तो पी वैल्यू कितना निकाला हम ने? पी तो बच्चे ये तो हो गया टू एट वन टू ये टू एट वन टू हो गया और दूसरा अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो एट सेवन हो गया कितना एट सेवन एट सेवन चलो

अब जरा यूनिट जीड चेक कर लो इसका पहले तो तो नौ दो कितना हो गया बच्चे अठारह मतलब ये एट आएगा है ना बारह और आठ देखो समझना नौ दो कितना हो गया अठारह मतलब लास्ट में एट आएगा इस इसके अंदर इस, में में लास्ट में आना चाहिए आपके पास है ना फिर नौ दो मतलब एट आएगा और अगर ये एट रहा बच्चे तो ट्वेल्व में से एट को माइनस करो लास्ट में फोर आएगा मतलब पहला वाला गलत हो गया समझ में आएगा सभी को कि पहला वाला हमारा क्या हो गया बच्चे गलत हो गया ठीक है क्लियर चलो सर ये तो सैटिफाइड नहीं हो रहा है अब जरा दूसरा को चेक करो फटाफट से सर दूसरा अगर चेक करें तो पी प्लस क्यू पी प्लस क्यू मतलब कितना हो गया टू एट वन टू टू एट वन टू प्लस आगे हमारे पास कितना है एट सेवेंटी नाइन और इसकी वैल्यू जो है इसके बराबर होना चाहिए टू सिक्स टू सिक्स एट फाइव के अब बच्चे देखो ये नौ और दो कितना हो गया ग्यारह मतलब लास्ट में वन आएगा इधर तो पांच आ रहा है तो ये भी गलत है मतलब ये भी गलत हो गया ये भी गलत हो गया मतलब ये भी गलत है ठीक है अब जरा इसको चेक कर लो तो पी में से क्यू अगर माइनस करोगे बच्चे इसमें से इसको माइनस करना मुझे तो ट्वेल्व और नाइन है मतलब लास्ट में तीन आना चाहिए तो तीन आ रहा है इसके अंदर ये हो सकता है इसको देखो जरा सर ये इसको तीन गुना करेंगे क्यू वाले पार्ट को बच्चे इसको तीन गुना करोगे तो नाइन थ्री कितना होगा ट्वेंटी सेवन मतलब सेवन आएगा लास्ट में इस वाले पार्ट में अगर यहाँ पर थ्री रखोगे मतलब इस वाले पार्ट में थ्री रखोगे तो नाइन थ्री कितना ट्वेंटी सेवन आएगा मतलब सेवन आएगा ठीक है तो इसका यूनिट जो सेवन आएगा बच्चे और यहाँ पर कितना है टू आएगा तो सात और दो नो नाइन होना चाहिए लेकिन यहाँ पर सिक्स आ रहा है तो ये भी आपका नहीं हो सकता अपन तो मतलब यू, सिर्फ है? है, है ना तो देखो पी प्लस क्यू अगर इन दोनों को जोड़ेंगे हम लोग तो ये पी की वैल्यू है और ये क्यू की वैल्यू है जब जोड़ोगे आप लोग तो यूनिट कितना नो और दो कितना हो गया ग्यारह इलेवन है ना इलेवन और चार मतलब चार और कितना हो गया पांच

बच्चे आराम से देखो इसको और प्रॉपर तरीके से रीड करके बनाने की कोशिश करिए एक अच्छा क्वेश्चन है मतलब देखो बहुत ज़रा डिफिकल्ट नहीं है क्या आपको लग रहा होगा तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ऐसा कुछ नहीं है बच्चे अच्छा क्वेश्चन है नॉर्मल है आप लोग बना लोगे इसको ठीक है चलो टाइम हो चुका फिनिश टाइम हो चुका फिनिश जरा इसको देख लेते हैं रीड कर लेते प्रॉपरली एक बार

आ आइटम ए सोल्ड दिस परसेंट प्रॉफिट दिस परसेंट प्रॉफिट एंड दिस परसेंट प्रॉफिट इन शॉप आर आइटम ए सोल्ड दिस प्रॉफिट दिस दिस अच्छा तो बच्चे कुल मिलाकर तीन शॉप्स हमारे पास है तीन शॉप हमारे पास है कौन-कौन सी -कौन शॉप है शॉप पी शॉप क्यू और शॉप आर

अब आगे क्वेश्चन हिंदी में नहीं होगा तो हिंदी वाले बच्चे जो हैं प्लीज करके एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले निकाल लीजिए आप लोग क्योंकि आगे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में रहेगा बच्चे है ना ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं तो सुनिएगा अब जैसे हम बात कर ले किसकी शॉप आर की बात कर लो किसी की भी एक की बात कर लो बच्चे है ना क्योंकि एक एक करके अपन निकाल देंगे इसमें है ना ऐसा कुछ एक एक करके निकलेगा तो हमने बात करी जैसे शॉप आर की बात कर लेते हैं किसकी बात कर लेते हैं शॉप आर की बात कर लेते हैं शॉप आर की बात कर लेते हैं ठीक है सर तो शॉप आर के लिए भी बच्चे देखो अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात कर लू अगर शॉप के आर के लिए भी मैं अगर प्रेस की बात कर लू, तो कितना होने वाला मेरे पास? 120, 160 और 180. क्योंकि हमारे पास आइटम ए बी सी इनकी कॉस्टिंग चेंज नहीं हो रही इनकी सेलिंग चेंज हो रही बस क्या हो रही है सेलिंग चेंज हो रही है बच्चे हमारे पास तो आपने बोला कि सर 180 तो ये हो गया वन एटी और वन ट्वेंटी एटी टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड फोर सिक्सटी तो कॉस्टिंग कितना बना बच्चे फोर सिक्सटी इसमें कोई दिक्कत नहीं है कॉस्टिंग कितना बन गया पांच परसेंट के, 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 so, uh, के प्रॉफिट पर बेचा ए को तो ए की प्राइसिंग कितनी थी बच्चे एक सौ बीस ना और अगर पांच परसेंट के प्रॉफिट पर बेचूंगा मतलब मैं इस पर पांच परसेंट कमाऊंगा इस तरह से हाई ना तो बच्चे जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा पांच दूनी कितना हो गया दस हो गया और दो छे कितना हो गया बारह हो गया मतलब छह का प्रॉफिट कमाऊंगा अगर मैं छह का प्रॉफिट कमाता हूँ एक सौ बीस पे देखो एक सौ बीस तो ये रहा और उस पर छह का प्रॉफिट कमा मतलब ट्वेंटी सिक्स में सेल किया मैंने उसको कितने में सेल किया बच्चे एक सौ छब्बीस में सेल कर दिया क्लियर बात आगे देखो आइटम बी जो था उसको ट्वेंटी फाइव परसेंट का प्रॉफिट हुआ आइटम बी कौन सा है बच्चे इस पर ट्वेंटी परसेंट का प्रॉफिट अब सॉरी ट्वेंटी फाइव परसेंट का प्रॉफिटी फाइव का मतलब क्या बनेगा वन बाई फोर तो मैंने इसके ऊपर वन बाय फोर निकाला

तो बच्चे एक 54. 54 तो तो कितना, कितना हो गया दो हो, हो गया हमारे पास ठीक है तो बच्चे देखो छह चार दस का शून्य एक बच्चा हमारे पास तीन दो पांच और कितना हो गया छे हो गया और ये कुल मिलाकर कितना होगा पांच सौ साठ कितना हो रहा है आप लोग क्या ये बात सबको समझ में आई ठीक है कि बच्चे फाइव सिक्सटी हमारे पास होने वाला है ठीक है अच्छा अब यार क्या सर अब तो कुछ नहीं है कि ये कॉस्टिंग और ये सेलिंग है हमारे पास ये कॉस्टिंग और ये सेलिंग है तो रेशियो भी निकालोगे को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है नॉर्मली देख लें आप लोग कि सर प्रॉफिट तो हो रहा है और प्रॉफिट कितने का हो रहा है दोस्त जीरो 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 हंड्रेड का प्रॉफिट हो रहा है कितने का प्रॉफिट है हंड्रेड का प्रॉफिट है अच्छा किसके ऊपर है फोर सिक्सटी के ऊपर और इंटू कितना कर देना है हंड्रेड इंटू कितना कर देना बच्चे हंड्रेड है ना ये कुछ होगा ओके तो ये मैंने इसको कैंसिल कर लिया दो से रहा पाँच और दो से कितना होगा ट्वेंटी थ्री ठीक है तो बच्चे ये बन रहा है मेरे पास फाइव हंड्रेड बाई ट्वेंटी थ्री परसेंट समझ में आई बात ऐसा कुछ बन रहा है बेसिकली चलो इसको भी छोड़ देते हैं यहीं पर अब एज इट इज हम लोग निकालते हैं इसके लिए पी के लिए किसके लिए निकालते हैं बच्चे पी के लिए निकालते हैं है ना पी के लिए निकालते हैं। देखो कॉस्टिंग किसी की चेंज नहीं होगी कॉस्टिंग कितनी रहने वाली फोर सिक्सटी रहेगी आपके पास कॉस्टिंग कितनी रहेगी फोर सिक्सटी रहेगी चलो अब वापस से देखो बच्चे इसका कि अगर सेलिंग की हम बात कर ले तो सेलिंग का फंडा कितना बनेगा अगर मैं सेलिंग की बात कर लो बच्चे है ना किसके बाद में पी के बारे में तो ए को कितने, कितने में सोल्ड कर रहे हैं कितने में सोल्ड कर रहे बच्चे बीस के प्रॉफिट पर अब वन ट्वेंटी कॉस्टिंग था उसका और अगर बीस का प्रॉफिट है बीस का प्रॉफिट मतलब कितने में सेल्ड किया like बच्चे अपन यहीं पर निकाल लेते बीस परसेंट का प्रॉफिट है ना तो ये 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 कैंसिल 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 बारह दो कितना चौबीस ट्वेंटी फोर तो एक सौ बीस कॉस्टिंग थी और ट्वेंटी फोर का प्रॉफिट बना उसका मतलब कितने में सेल करते हैं तो यहाँ पर उसने 144 में सेल करा उसको क्लियर अच्छा दूसरी बात ये कि अगला प्रॉफिट कितना बच्चे? 25 का प्रॉफिट है 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 ना 25 का प्रॉफिट तो देखो यहाँ पर तो वही डेटा निकलेगा कि ट्वेंटी का प्रॉफिट किस पर वन सिक्सटी के ऊपर तो वन बाई फोर मतलब चालीस का प्रॉफिट तो चालीस का प्रॉफिट मतलब कितना दो सौ हो जाएगा फिर है, है ना तो हम इसी को यूज कर लेते हैं तो सर ये तो टू हंड्रेड होगा आपका हमने अभी क्या था इसको ठीक है

कितना बन गया 542 क्लियर अब जरा बात कर ले अगर प्रॉफिट की इसकी है ना तो प्रॉफिट कितना बन रहा है सर टू तो बनेगा ही बनेगा और फोर और सिक्स मतलब टू जीरो टू कितना हो गया एट हो गया हमारे पास ठीक है समझ रहे हो बात को फिर ये कितना होगा ये तो कुछ नहीं होगा सर हमारे पास और डिवाइडेड पे कितना का फोर कितना हंड्रेड राइट right? इंटू कितना हो गया हंड्रेड हो गया बच्चे अब जरा इसको कैंसिल कर लेते हैं हम लोग अब जरा इसको क्या कर लेते हैं बच्चे कैंसिल कर लेते हैं तो कैंसिल अगर करेंगे हम लोग इस वाले पार्ट से वाला पार्ट कैंसिल हो गया ठीक है सर टू 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 जा फोर टू थ्री सिक्स टू फोर एट टू वन टू समझ में आ रहा है तो बच्चे ये बन रहा 4, 1, 0, और डिवाइडेड बाय कितना हो 23 हो कितना होगा 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 हमारे पास है ना चलिए तो अभी आपको समझ में आ रहा है कौन सा बड़ा है इसके अंदर क्योंकि दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो मतलब क्वांटिटी वन अभी बड़ी है अपने पास क्वांटिटी वन क्या बच्चे बड़ी है अपने पास है ना तो देखो हम लोग ये बोल सकते हैं कि क्वांटिटी वन कहां कहां पर बड़ी है बच्चे एक तो पहले वाले में बड़ी है और नहीं नहीं एक ही में तो बड़ी है क्वांटिटी वन तो इसको करने की जरूरत ही नहीं है फिर है ना क्योंकि ये आंसर नहीं हो सकता फिर अपना ये आंसर नहीं हो सकता ये आंसर नहीं ये आंसर होना चाहिए फिर अपना है ना ये होना चाहिए क्योंकि बच्चे आप ऑप्शन देखोगे ना तो क्वांटिटी वन ही तो बड़ी है और अपने अपने देखा भी कि क्वांटिटी वन क्या बड़ी है क्वांटिटी इसके कंपैरिजन में ठीक है तो बस ये आंसर हो जाएगा अपना

ईजी रहते हैं लेकिन थोड़ी से लेंदी होते हैं वो है ना लेकिन हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करना होते हैं ये टारगेट मान के चलो कि मुझे 20 प्लस तो करना है किसी भी तरह से और बच्चे आराम से कर सकते हो आप लोग सिर्फ कट ऑफ निकालने पर फोकस नहीं करना है कि सर कट ऑफ इसका बहुत कम जाता है सात नंबर नंबर में कट ऑफ जाता है लास्ट ईयर तो गया था इतना ही कट ऑफ जाता है तो मैं उतनी प्रिपरेशन करूंगा नहीं बच्चे जब आप लोग थोड़ी अच्छे लेवल के प्रिपरेशन करोगे ना तब जाकर वो कट ऑफ भी क्लियर हो पाएगा समझ में आया तो प्रैक्टिस करना जरूरी बच्चे आपको इन इस तरह इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है इनको हम कम टाइम में कैसे कर पाए कैलकुलेशन कितना आसानी से अपने हम हम लोग कर पाएंगे आप देखो यहाँ पर जो परसेंटेज वैल्यूज हमने यहाँ पर मेंशन करी है ये नॉर्मल कर दी हमने कि ट्वेंटी परसेंट हो गया पच्चीस परसेंट हो गया तीस परसेंट हो गया लेकिन एग्जामिनर क्या हो सकता है सिक्सटीन टू बाई थ्री फोर्टीन टू बाई सेवन है ना सिक्सटीन पॉइंट सिक्स परसेंटेजी टू बाई थ्री परसेंटेज इस तरह के फ्रैक्शन कभी दे देगा आप लोगों को तो उनके साथ भी डीलिंग करना अपने को आना चाहिए है ना ठीक है चलिए बच्चे तो आई होप कि आपको समझ में आ हो गया होगा अच्छे से ना, इसी तरह से आप थर्ड वाले का निकाल लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि क्या सही सही निकल रहा है कौन सा सही ठीक अच्छा है, तो है नहीं बना तो हम इसको अगली क्लास जो होगी अपनी उसमें डिस्कस जरूर कर लेंगे है ना ठीक है और बच्चे देखो अगर आप इन सेशन को रेगुलर बेसिस पर चाह रहे हो तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे रेगुलर बेसिस पर सेशन को आप चाहते हो और दूसरा यार उसको शेयर जरूर करें आप लोग जितना मैक्सिमम आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह में तो मिलते हैं अगले सेशन में जो कि इस सीरीज का पार्ट होगा ओके और बच्चे दूसरी बात की अगर आपको को बेसिक्स आपके वीक है है ना बेसिक्स में आपकी कमांड अच्छी नहीं है आपको बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने है तो उसके लिए आप रेगुलर बेसिस पर हमारे साथ सुबह नौ बजे जुड़ जुड़ सकते हैं कब जुड़ना बच्चे सुबह नौ बजे है ना सुबह नौ बजे इसी चैनल पर बेसिक्स के लिए आप लोग जुड़ सकते हो जहां पर अभी प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस की फाइव क्लासेस हो चुकी है कल उसका डे सिक्स है ना सिक्स वाली क्लास कल होने वाली उसकी तो आप लोग इन क्लासेस में जरूर जुड़ेगा बस अब बच्चे होमवर्क से इतना सा कि आप लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करिए अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन का जो ऐप है अगर वो डाउनलोड नहीं किया आपने लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ से उसको डाउनलोड कीजिए और अपनी प्रैक्टिस को बरकरार रखिए तो बच्चे मिलते हैं फिर अगले सेशन में सो थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन बॉ बाय टेक केयर थैंक यू